क्लासिफिकेशन ऑफ, बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स, कोलोइडल्स या कोलोइडल सॉल्यूशन या सॉल्व। कोलोइडल सॉल्व नहीं, आइदर कोलोइडल आइदर सॉल्व। तो पहला हम लोगों ने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ, उसके बाद बोलो, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इंटरेक्शन, या इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, क्या इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, ये भी हो गया था, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो थर्ड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, types of ये भी हो चुका है आई थिंक, ऑन द बेसिस ऑफ, एक ही मिनट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स था, यस सर, टाइप्स सर, मॉलिक्यूलर साइज बोला था अपने बाद, मॉलिक्यूलर साइज बोला था मैंने, टाइप्स नहीं बोला होगा आई थिंक, है ना? यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज ऑफ डिस्पर्स फेज करके लिखा था। हाँ, दोनों सबने मिक्स करके दोनों एक बना दिया, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कोलाइडल साइज डिस्पर्स फेज था। तो नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, ये मैंने करवा दिया था डेफिनेशन वगैरह, यस सर। तो इसमें पहला मल्टी मॉलिक्यूलर रहा होगा, फिर मैक्रोमॉलिक्यूलर, फिर एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स। तो मिसेल्स तक हमने सर डेफिनेशन लिखवा करके छोड़ा था, यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड। तो पहला मैंने छोड़ दिया, सेकंड छोड़ दिया, एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलोइड्स, या फिर मैंने क्या नाम दिया, मेसिल्स। मेसिल्स क्या थे? ये इलेक्ट्रोलाइटिक फॉर्म में है, इनका एक सर्टेन कंसेंट्रेशन बन जाता है तो दे फॉर्म मेसिल्स, या मैंने बोला लॉन्ग चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, they are collected or agglomerated, jiski wajah se they are forming particles, that is colloidal size particles are called as micelles. theek, yahan tak ho gaya tha? yes. next heading likho isi mein, likho cleansing action of, कैसे क्लीनिंग होता है उसका बोल रहा है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हो गया, मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स
कैसे उनका क्लीनिंग एक्शन होता है उसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना है. नाउ नोबडी विल राइट. ये क्या है? ऑयल और ग्रीस जो तुमने कपड़े पहने थे तेरे कॉलर की वजह कॉलर पे ये ऑयल या ग्रीस आ गया. और जो सोप होता है सोप इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो भी किसका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का. सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का ऐसा ये हो गया. इसमें दो पार्ट है. एक पार्ट का नाम बोला करता हूं हेड दूसरे पार्ट को मैं बोला करता हूं टेल. तो क्या हो गया हेड एंड टेल. तो व्हेन सो मेनी मॉलिक्यूल्स आर यानी लॉन्ग चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टेड अराउंड ऑयल और ग्रीज पार्टिकल्स. ये ले लिया ऑयल या तो फिर ग्रीस ले लिया. ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स ले लिया तुमने उसको टेल किसको जो ये सॉलिड या डार्क है इसको कंफ्यूज नहीं होना है. उसके बाद मेरे पास दो पोर्शन था मैंने बोला था इसका नाम मैंने बोला हेड और इन सभी को मैंने क्या बोल दिया टेल. तो क्या हो रहा है लॉन्ग चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर हैविंग टू पार्ट्स. लॉन्ग चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स आर हैविंग टू पार्ट्स. एक पार्ट क्या है हेड सेकंड पार्ट क्या है टेल. हेड पार्ट इज पोलर इन नेचर. पोलर से अच्छा है बेटर लिखूं कि आयोनिक इन नेचर. ठीक इट इज आयोनिक इन नेचर. अगर ये आयोनिक इन नेचर है तो ये वाटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है. और जो टेल है वो कैसा है वो फैट सोल्यूबल है. ये कैसा है वाटर सोल्यूबल है. वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल का मतलब क्या हो गया. वाटर इज पोलर इन नेचर. Why? क्योंकि इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका जो शेप था वो एंगुलर था. जब तुम इसको रिजॉल्व करोगे तो नेट वेक्टोरियल कैंसल आउट नहीं होगा. अगर नेट वेक्टोरियल कैंसल आउट नहीं हुआ तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा. बस इतना ही देखना है ये नहीं देखना है कितना नहीं. ठीक है तो अब आ जाओ. जब तुम वाटर के साथ रिंग करता है तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करके और ऑयल और ग्रीस को पकड़ करके बाहर आ जाता है. लेकिन इसके लिए उसको मिसेस बनाना जरूरी है ना. क्योंकि मिसेस तभी बनेगा जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दीज लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर एग्लोमरेटेड और कलेक्टेड अराउंड ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स है ना. ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स. अब बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या. नो प्रॉब्लम. नो सर. तो इसका स्टेटमेंट लिखना है क्या. यस सर. ओके अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं. हेडिंग में क्या लिख लिया था सबने. Cleaning action of soaps and detergent. Yes. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग. चाहो तो ये फिगर बना लो. बनाना है ये फिगर बना लो. बना लिया सबने. सब बना लिया. हाँ सर बना लिया. ओके अगर बना लिया तो सही है सर. वो ऑयल और क्या. ऑयल और ग्रीस. ग्रीस ग्रीस
GREASE ग्रीस। तो अगर फिगर बना लिया तो प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। हाँ हाँ, क्योंकि अभी तुम, मुझे ऐसा लगता है सभी लोग नहाते हैं, कभी ना कभी तो नहाते ही हैं। यस सर, डेली। यस सर, डेली। अगर कोई बोल रहा है कि मैं डेली नहाता हूं तो मैं मानता ही नहीं। कुछ चीजें हैं जिसको नहीं माना जा सकता है। डेली इतनी ठंडी में भी। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम लोग जो सूप लगाते हैं, अब उसका रैपर देखना और उस पर देखना फॉर्मूला लिखा रहता है, कुछ तो सोडियम पाल्मेट, सोडियम स्टीयरेट है ना, तो वो कुछ तो 15-16 कार्बन के रहते हैं और उसमें लॉन्ग चेन एसिड्स यानी COO। अब देखना सोडियम, मैंने क्या बोला, सोडियम पाल्मेट मतलब यहाँ पे क्या है, जो ये निगेटिव पार्ट है वो क्या था, Na था, यानी उसके सेटिस्फाइड बाई Na प्लस सोडियम पाल्मेट। ठीक, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है, इसीलिए जो भी ऑयल ग्रीज या ऐसे रहते हैं, फ्रेशनेस हो गया, ये सब वो सब आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो प्लीज राइट डाउन सोडियम पाल्मेट या सोडियम स्टेरेट वगैरह वो वर्क कैसे करते होंगे, ऑयल या ग्रीज के अराउंड ये कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद उसमें दो पार्ट होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है जो आयोनिक होता है, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। व्हाई वाटर इज पोलर इन नेचर, क्यों, इसीलिए देखना, इसीलिए अगर तुम पानी अपने घर में लेकर के साफ कर कपड़े को और सी वाटर लेकर के कर, तो कहां पे जल्दी साफ हो जाएगा, तेरे घर में या सी वाटर में? घर के पानी में सर। घर के पानी में, तो सी वाटर में क्यों नहीं हो रहा है, सी वाटर में क्यों नहीं हो रहा है सर? सॉल्ट बहुत होते हैं ना, सॉल्ट्स बहुत है, तो ये ऑलरेडी सॉल्ट, ये ऊपर वाला पार्ट आयोनिक इन नेचर, तो वो सॉल्ट से इंटरेक्शन करके जल्दी क्या होंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट इज प्रेजेंट है ना। इसीलिए जितना मैं प्योर वाटर लूंगा उतना अच्छा रहेगा, उतना जल्दी रीच होगा। चलो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, लिखो, व्हेन लॉन्ग चेन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ, या व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सीधे लिखें, व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट्स, व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड सॉल्ट्स ऑफ कार्बन, सॉल्ट्स ऑफ कार्बन, या एसिड लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बन भी लिख लिया, इज नॉट रॉन्ग वन, ब्रैकेट में लिख लो सोप्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट पार्टिकल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब सोप्स एंड डिटर्जेंट इसके बने होते हैं, इसका मतलब है तुम सोप्स डिटर्जेंट्स घर भी बना सकता है ना। अभी देखो थोड़ी देर के लिए तुम क्या करो, ऑयल ले लो, ऑयल मैं तुमको 1000% बेटर क्रीम बना करके दे रहा हूं घर पर ही देन द फेयर एंड लवली। क्या करो, वो तुमको उतना नुकसान भी नहीं करेंगे, तूने घर पे बनाया ऑयल, ऑयल ले लिया, अब ये है कि ऑयल प्योर होना चाहिए नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं। उसको तुम थोड़ा सा गर्म करो, गर्म करने के बाद उसमें तुम वैक्स ला करके डाल लो, ठीक। और तुमको अब और भी खूब सेंटेड चाहिए, सेंट वगैरह क्या खूब महक आए, उसमें गुलाब जल वगैरह डाल दो थोड़ा सा और उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद जब वो पूरा वैक्स, थोड़ा सा वैक्स, हाँ बहुत ज्यादा वैक्स नहीं, तो सपोज 10-20 या 15-20 ग्राम सपोज ऑयल ले लिया,
उसमें 5 ग्राम में वैक्स ले लिया, थोड़ा सा मैंने और भी सेंट वगैरह उसमें डाल दिया, हो गया। गरम किया 10 मिनट तक, गरम करने के बाद इसको कोल्ड किया, बन गया क्रीम। अब जो लोग क्रीम इस टाइम पर यूज कर रहे हैं मॉइस्चराइजर या सपोज क्रैक वगैरह आ रहे हैं, वो तो सबसे बेस्ट है जो मैं बना बता रहा हूं तुमको घर पे, सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि उन सब में भी क्या है, ये यही सब तो है और क्या है, और वो इधर से तो घी वगैरह या ये सब वो सब करके निकाल सकते हैं, फैटी एसिड ही तो है वो सब और क्या है। चलो भाई आ जाओ। हाँ मैंने लिख लिया, वेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऑफ कार्बन, ब्रैकेट में लिख लिया, डिटर्जेंट ऑफ सोप पार्टिकल्स आर कलेक्टेड अराउंड ऑयल और ग्रीस, are collected around oil or grease. Oil or grease, then after certain concentration, they are forming micelles. After certain concentration, they are forming micelles. After certain concentration, they are forming micelles. ठीक, देखो, in which long chain containing molecule, in which long chain containing molecule. In which longer chain containing molecule, in which long chain containing molecule is consisting of two parts, a long chain, it is consisting in which long chain molecule is consisting of two part. First part is head. First part is head and second part is tail. ठीक है, head part is, हाँ उसके बाद लिखो, देखो हेड फिर से उसके बाद लिखो, एंड हेड पार्ट इज आयोनिक इन नेचर, हेड पार्ट इज आयोनिक इन नेचर which is water soluble, and tail part is
fat soluble and tail part is fat soluble. Tail part is fat soluble. Tail part is fat soluble. Get it? Okay. Which is mixed with oil or grease. Which is mixed with oil or grease. Which is mixed with oil or grease. उसके बाद लिखो लिखो when it is ringed with water. When it is ringed with water. When it is ringed with water. When it is ringed with water, then it will come with then it will come with water. ठीक then it will come with या come along with water. Last sentence. Then it will come with water. साइली क्या रिपीट करना है मृतिका रिपीट करके बता स्टेटमेंट. हाँ सर. हाँ बोलो सर पूरा करना है क्या when it is rinsed with water. When it is rinsed के बाद. When it is rinsed के बाद with water ही था ना सर. Rinse with water, then it will come along with water. अरे इसके बारे में. हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं. सर ये when it is rinsed with water वाला sentence वो किसके बारे में. हाँ when it is rinsed with water, then it will come with या come along with water. और rinse किसको किया. Rinse तुम क्या करे कपड़े को रिंज करेगा ना वाटर में थे वैसे ही मिक्स करेगा तो okay. वो क्या करेगा ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स को लेकर के बाहर आ जाएगा. समझा सर. मैंने परसों पढ़ा कहीं पे न्यूज में कि सीईटी जेई जितनी टफ करने वाले हैं सच है क्या. ये तो और अच्छी बात है क्योंकि आजू बाजू के टीचर सीईटी के नाम पर तुम लोग को कुछ पढ़ाते ही नहीं है और तुम लोग की भी हैबिट बन गई है कि सीईटी के नाम पर कुछ पढ़ते ही नहीं. डॉक्टर इंजीनियर सब बनना चाहते हैं. ये तो अच्छी बात है. हाँ ये बात सही है. ये आया हुआ है लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं. सीईटी बड़ा ही सिंपल आता है. सीईटी बहुत ही सिंपल आता है. चलो भाई नेक्स्ट लिख लो. हाँ वो उन टीचरों के लिए बैड न्यूज है जो कुछ पढ़ाते ही नहीं है सिर्फ बोर्ड के टेक्स्ट बुक को लेकर के 10 बार पढ़ा देते हैं और बच्चे भी हैप्पी रहते हैं. हाँ ठीक है ना. अरे टफ तू इंजीनियर बनने जा रहा है भाई. बिलीव मी ये जितना पेपर टफ यूपी बिहार के सीटी होते थे उससे तुम्हारा ये हम लोग की बता रहा है ना जिस टाइम पे हम लोग देते थे 2002 की बता रहा हूँ. उतना टफ आज भी नहीं है तुम्हारा अभी अब जितना हम लोग का 20 साल पहले यूपी और बिहार वगैरह के सीटी हुआ करते थे. इतना सिंपल देता है यहाँ पे. हम लोग यहाँ पे 11th 12th दोनों आते थे सीईटी में. यहाँ पे देखो 11th सिर्फ 12th का आता था. बहुत कहने पे लोगों ने 20% सीईटी 11th क्लास का डाला है 20:80 रेशियो रख करके. ठीक. हाँ बोलो कुछ तो बोल रहे थे. बोलो बोलो बोलो. सीईटी का लेवल जेई कैसे कैसे करते हैं. अरे सीईटी का लेवल बहुत ही सिंपल होता है बाबा. तूने देखा नहीं मेरे यहाँ पे जो सीईटी का बहुत लोगों ने भरा ही नहीं था फॉर्म.
नहीं तो कम से कम हाफ ऑफ द क्लास 99% के ऊपर चली जाती, भरते ही नहीं लोग, क्योंकि एमबीबीएस वाला एडमिशन सीईटी के थ्रू नहीं होता है, एमबीबीएस बीएएमएस बीएचएमएस। बहुत पेपर सिंपल आता है, डू नॉट वरी अबाउट द केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, मुझे अदर सब्जेक्ट का नहीं है। चलो भाई एक और लिखा होगा हम लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लिख लो, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, लिखो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लिखो लिखो जल्दी से, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, लिखो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, During preparation of a colloidal solution, during preparation of a colloidal solution, charges are generating on dispersed phase particles, charges are generating on dispersed phase particles. On dispersed phase particles, so colloidal solution can be categorized colloidal solutions can be categorized as, मैंने ऐसा लिख लिया, तुम लोग पूरा लिखो, पॉजिटिव कोलोइडल सॉल्यूशन, सेकंड लिखा नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन। Positive colloidal solution and negative colloidal solution. So heading likho positive colloidal solution pe kaisa charge aa raha hoga bolo, positive charge likh lo, लिखो those colloids which are having, या those colloidal solutions which are having positive charge are called as sir solution ke baad kya hai, those colloidal solutions which are having positive charge are called as positive colloid. So, yes, बोले आयोनिक इक्विलिब्रियम इज इन 12th क्लास और 11th क्लास, आयोनिक इक्विलिब्रियम सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास, महाराष्ट्र बोर्ड 12th क्लास, अभी इसी बार डाला है उन्होंने, ग्रेट है अपना बोर्ड बहुत ही ग्रेट है। चलो भाई आ जाओ,
एग्जाम्पल में लिखो. अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ठीक है ना? आयरन का जहां पर भी तुमको मिल जाए उसको तुम पॉजिटिव क्लोराइड लिख करके आ सकते हो. ऐसा ऑलरेडी नीट, जेईमेंस, सीईटी सब जगह पे आ चुका है. ठीक है, इंपॉर्टेंट वन याद करके रखो. डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करके रखो पॉजिटिव कोलोइड्स के. पॉजिटिव कोलोइड्स के हम लोग एग्जाम्पल्स याद करके रखेंगे. ठीक, हाँ बोलो. फिर से रिपीट करो. हाँ, ये लिखा ना इसका आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. अब सोचो ये एक एक एग्जाम्पल तुमको 4 मार्क्स दे करके या ले करके तुम्हारा चला जाएगा. फोर मार्क्स का दे करके या ले करके चला जाएगा बेटा. चलो नेक्स्ट वन हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव कोलोइड. नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन फास्ट. नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन. नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक, तो उसमें लिख लो. Look, those colloidal solutions which are having, those colloidal solutions which are having those colloidal solutions which are having negative charge called as negative colloid. Example mein likho. Likh lo sulfide. Sulfide ya sulfur bolo. Sulfur salt le lo. Sulfide salt. Sulfide sol. Sulfide sol. Yeah. Sir, H2S3 ka naam. Arsenic sulfide. ठीक है ना? ये दोनों एग्जाम्पल याद होने ही चाहिए. ये एग्जाम्पल्स मुझे याद होने ही चाहिए. बार बार बोल रहा हूं. जहां पर भी सल्फाइड के साथ दिख जाए वहां पे क्या लगा दो. जहां पर भी सल्फाइड के साथ दिख जाए क्या लगा दो. नेगेटिव. सोचो डायरेक्टली पूछता है ऑप्शन देख करके विच ऑफ द फॉलोइंग आर. में से बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कोलोइड या निगेटिव कोलोइड. ऐसा करके दोनों आए हुए हैं. दोनों आए हुए हैं. और भी मैं तुमको बोल दू ये निगेटिव कोलोइड के एग्जाम्पल है. 3-4 फिक्स्ड है. ये नेगेटिव कोलोइड और इसमें ध्यान से देखो AgI AgNO3 के साथ है तो वो पॉजिटिव कोलोइड है और इसके साथ है तो ये नेगेटिव कोलोइड है. बस
इतने में ही मेरे 4 मार्क्स रखे हुए हैं। चलिए लास्ट वाला रिपीट करेंगे। हाँ बोलो लास्ट वाला। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। चलिए लास्ट वाला रिपीट करेंगे। हाँ नेगेटिव कोलोइड मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये बना रहा है ए जी आई और के आई के साथ। तो ये करता कैसे है तुमको अगर चाहिए तो ए जी आई और इधर से आई माइनस लगा देता है ऐसे। और इसका एक इंटरफेस बना करके के प्लस रखता है, तो मतलब यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज ही आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का इंटरफेस जनरेट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इंटरफेस जनरेट कर देते हैं। हो गया? अगर हो गया तो आजा बेटा सभी लोग। नेक्स्ट लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कोलोइड्स या सॉल्ट्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ सॉल्ट्स या कोलोइडल सॉल्यूशंस। सॉल्ट्स और कोलोइडल सॉल्यूशंस। चलो आ जाओ। तो क्या हो गया, मैं दो तरीके का सॉल्व बनाना है मुझे। लायोफिलिक, लायो मीन्स क्या हो गया लिक्विड, फिलिक मतलब अट्रैक्शन। फिलिक का मतलब क्या हो गया अट्रैक्शन। सेकेंड क्या है लायो, लायो का मतलब लिक्विड और फोबिक, सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट रिपल्सन टाइप का। तो लिखो प्रिपरेशन ऑफ या लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल्ट्स में लिख लो क्या हेडिंग लिखा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। तो लायो का मतलब ही क्या हो गया, लायोफिलिक का मतलब हो गया, लायोफिलिक का मतलब ही क्या हो गया, बोलो लायोफिलिक का मतलब ही क्या हो गया। अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है। yes. हाँ लिक्विड लविंग। तो इसलिए जैसे ही मैं मिक्स करूंगा सॉल्यूट सॉल्वेंट, जैसे ही मैं मिक्स करूंगा वैसे ही क्या करेगा, जैसे ही मैं मिक्स करूंगा वैसे इमीडिएटली क्या करेंगे वो बन जाएंगे। नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू स्पेशल, मैं बोलूं देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो लिख लो जल्दी से, देखो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, लिखो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, due to force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, lyophilic salts can be easily prepared due to force of attraction between, due to force of attraction between dispersed phase and dispersion medium, lyophilic salts can be easily formed.
ठीक है, चलो आ जाओ एग्जाम्पल्स में. क्या हो गया? गम, कभी देखा गांव वगैरह में? यहां पर भी अप्लाई कर सकता है. तुझे कुछ चिपका, सपोज कुछ वॉल पर चिपकाना है तो घर पर भी बना सकता था. कैसे? फ्लोर लिया, फ्लोर लेने के बाद पानी डाला और उसको गर्म कर डाला सेमी लिक्विड बना करके. देखो सिंपल सा बन जाता है, ठीक है ना. गम हो गया, स्टार्च हो गया, ये सब इजीली बन जाएंगे. चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट वन. लायो फोबिक, ये हमको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि ये जल्दी बनेंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर हैविंग रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फिल डिस्पर्सड पार्टिकल्स. लिखो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम due to repulsion between dispersed phase and dispersion medium, these salts are requiring some special methods. ठीक. चलो आ जाओ. तो इसके लिए मेथड्स क्या क्या है लिखो. फर्स्ट मेथड, सॉरी इसका एग्जांपल. हाँ वही, अब मैं इनफाइनाइट बनाने जा रहे हैं, यही तो है ना, पूरा चैप्टर इसी पर ही बनाने जा रहे हैं, है ना. ओके. हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स मुझे मिलेंगे, डोंट वरी. नहीं है तो एग्जांपल में चाहो तो लिखी लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है. लिख लो गोल्ड, गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल, मेटल के जितने भी हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर सॉल सल्फाइड सॉल या सल्फर सॉल. ठीक, चलो आ जाओ. फर्स्ट वन लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट वन, हा हा, पीछे किसमें लिखवाया है? दर्शन, वो जनरल सॉल्स रहा होगा, नाउ आप कैटेगराइज कर दे रहे हैं. चलो फर्स्ट लिखो भाई, इलेक्ट्रिकल मेथड फर्स्ट लिखा मैंने. इलेक्ट्रिकल मेथड, तो इलेक्ट्रिकल मेथड में हम लोग का यही है, गोल्ड सॉल सिल्वर सॉल कैसे बनाना है वो सब. चलो देखो, अब देखो थोड़ी देर के लिए कोई कुछ ना लिखेगा. इसके चारों तरफ मैंने क्या लगा रखा है? आइस, है ना, ये सब कैसे भी लगा लो अच्छे से बना करके. और यहां पे क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स या सस्पेंशन, है ना. तो सस्पेंशन लिखो तो और भी अच्छा है. So this is suspension. अब अगर ये suspension है तो हमने क्या किया?
यहां से ऐसा, सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोड्स है. नाउ बिकॉज ऑफ लार्ज हीट, इलेक्ट्रिकल मेथड में जहां पे लिखा था, मैंने पहले ही बोला था कोई कुछ नोट नहीं करना है, आराम से बैठना है. ब्रेडीज आर्क मेथड बोला करता हूं इसको, ब्रेडीज आर्क मेथड. नाउ हाई वोल्टेज इज सप्लाइड ड्यू टू विच जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं इन बिटवीन. आर्क क्यों बोला हूं, आर्क आर्क इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये देखो यहां से जो हीट जनरेट होगी वो आर्क के फॉर्म में एरिया कवर कर रही है ना. तो कुल मिलाकर के इसके बीच में जो भी पार्टिकल्स होंगे, वट एवर द पार्टिकल्स दट इज अ बिगर साइज पार्टिकल्स, हाँ इलेक्ट्रोलिसिस के जैसा बोल सकते हैं. तो बिगर पार्टिकल स्पेशली मुझे ब्रेकिंग ऑफ बिगर पार्टिकल्स इंटू कोलाइडर साइज पार्टिकल्स में ब्रेक करना है, उसको मैं बोल रहा हूँ ब्रेडीज आर्क मेथड. उसके बाद क्या हुआ, ये इधर से वेपराइज हो गया. वेपराइज हो करके ठीक है, मैंने और भी मेथड लगा रखे हैं जो इधर उधर आ जाएगा, और आइस कूलिंग की वजह से ये आइस है, आइस बाथ, जिसकी वजह से कंडेंस्ड होकर के ये सेपरेट आउट होते रहेंगे. ठीक है, सपोज ये कंडेंस होकर इधर आ रहा है, मैंने एयर का ब्लो इधर लगा रखा है, ये इस वाले एरिया में आए और कंडेंस्ड हो गए. ठीक है, उसको सेपरेट कर लिया. तो बाय दिस मेथड कोलाइडर साइज पार्टिकल्स आर. अभी क्या है, सपोज गोल्ड ले लो, गोल्ड का सॉल्व बनाना है, सिल्वर का सॉल्व बनाना है. अब अगर गोल्ड का सॉल्व ऐसे बनाएंगे, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं हो पाएंगे, तो मैं इस मेथड से बना रहा हूँ. तो जितने भी मेटल सॉल्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो सब हम लोग के पास इसी की वजह से है. ठीक है ना, इसमें मेरे पास प्लेटिनम, AU का मतलब गोल्ड, AG, कॉपर के जो भी सॉल्ट्स बन रहे हैं दे आर एग्जांपल ऑफ सॉल्ट्स तो है ही, लायोफोबिक सॉल्ट्स तो बना ही रहे क्योंकि वो अपने से नहीं बन रहे, बट दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेडीज आर्क मेथड. दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेडीज आर्क मेथड. तो लिखो, अब पहले फिगर बना लो, सभी लोग पहले फिगर बना लो, उसके बाद मैं बनाता हूं. और ये सस्पेंडेड पार्टिकल बेटर हो कि मैं यहां से ले दिखा दूं. ये कलर है ऐसा, तो ये सभी सस्पेंशन ऐसे ही है, बिगर पार्टिकल्स में है बिकॉज ऑफ हीटिंग. वो क्या हो रहे हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे वेपराइज होकर के. सर ये मेथड कहाँ कॉमन यूज होते हैं बताया, तो गोल्ड सॉल प्लेटिनम वगैरह इन सब के बनाने के लिए. सुहा ओके सर, चलो आ जाओ लिखते हैं. सर वेट अ मिनट प्लीज. अरे एक मिनट. अच्छा बना लो सभी लोग प्लीज. सर इसमें आइस क्या करता है वो आपस बताओ ना. ये आइस क्या है, वो उधर का टेम्परेचर वगैरह जो भी है, तो जो तुमने बात लिया है सस्पेंशन का, तो उस सस्पेंशन से जो भी गोल्ड गोल्ड के पार्टिकल्स वगैरह ऊपर आ रहे हैं वो आइस की वजह से इधर आकर के कूल होते जाएंगे.
वो पार्टिकल्स के फॉर्म में कूल होंगे ना। हाँ सर। हाँ ऐसा, क्योंकि तुमको ये नहीं लगना चाहिए सब गोल्ड तो मेरे पास पहले से ही फिर क्या जरूरत, नहीं उसको मैं पार्टिकल साइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, अगर नोट कर ली निरिता झाला का। यस सर। ओके लिखो। भाई सभी लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग सरोज ट्यूटोरियल। बिलीव मी कोर्स कंप्लीट हो गया है, दो चार बच्चे दूसरी कोचिंग के क्रैश कोर्स के लिए मुझसे बोले, मैंने उनसे बोला कि 12th क्लास का भी एक चैप्टर बाकी है, तुम उसमें बैठ जाओ, क्रैश कोर्स तो चलेगा ही चलेगा, इसमें भी बैठ करके देख लो। मैंने जानबूझ करके बैठाया कि यू कैन सी द डिफरेंस। अब मैं उनसे पूछता हूँ कुछ डिफरेंस है क्या, बोलते हैं सर बहुत डिफरेंस है, बहुत बहुत बहुत, स्पेशली बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ होता ही नहीं है, और पता है उधर भी न्यूमेरिकल खूब लगवा रहे हैं उनकी कोचिंग में, जब उनसे बोलो तो वो बोल रहे हैं कि बहुत सर हमारे यहाँ भी न्यूमेरिकल खूब हो रहा है। बट प्रॉब्लम इज बाबा, अगर मैं 2+2, 2+3, 10+5 यही करता रहा लाइफ टाइम तो क्या फायदा है, वैसा टाइप है। अरे जब तक मैं 2+log2 नहीं करूंगा तो कहां से पता चलेगा कि क्या होता है, 2+sin2 करूंगा तब तो जाके पता चलेगा ना। तो मेरा कुछ ऐसा चलता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप मदर प्रॉब्लम्स, सिर्फ न्यूमेरिकल और सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करा के तुझे हैप्पी नहीं रखना है। हैप्पी तुझे अभी रख दूंगा ठीक है, लेकिन बाद में तुझे पता चला कॉम्पिटिशन में यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अभी देखना कुछ दिन के बाद अभी जेई मेंस देने वाले हैं, दो मैं तुमको रिजल्ट दिखाऊंगा तुम लोग अभी बहुत जल्दी। और नीट तुम लोग अपने ही बैच में देख लो, मेरे पास सीईटी के स्टूडेंट थोड़े कम रहते हैं क्योंकि इधर नीट के फ्लो ज्यादा रहते हैं, तो नीट के बच्चे जेई मेंस में 99 लेकर के परसेंटाइल आ रहे हैं। सोच तुम लोग भी करना ऐसे क्रैक, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग भी करना, लेकिन जो मैं इधर का पढ़ा रहा हूँ ना 11th क्लास में वो भी याद रहेगा, तो क्योंकि जेई में 11th 12th दोनों आता है। ओके चलो भाई आ जाओ प्लीज, क्योंकि अभी मैं रिवाइज कराऊंगा उन लोगों को 11th क्लास का पूरा, मैं टाइम बता दूंगा, किसी के पास टाइम होगा तो जो 12th वालों का रिविजन होगा तुम लोग उसमें बैठना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल चलेगा, वो तुम्हारे ऊपर है। आई एम नॉट इन्फोर्सिंग यू, तुमको लगता है तो तुम उसमें बैठ सकते हो, तो तुमको क्या होगा अब डायरेक्ट थ्योरी नहीं, तुमको न्यू, अगर न्यू भी नहीं मिलता है तो एटलीस्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस होंगे, ऐसा टाइप का। हाँ भाई चलो लिखो, इन ब्रेडीज आर्क मेथड, इन ब्रेडीज आर्क मेथड, इन ब्रेडीज आर्क मेथड, इन ब्रेडीज आर्क मेथड suspension particles are placed and two metal electrodes are placed and two metal electrodes are placed theek hai na, through which high voltage is passed through which high voltage is passed which is generating intense heat
which is generating intense heat, which is generating intense heat, due to which is generating intense heat, which is generating intense heat, due to which suspended metal particles, suspended metal particles are heat due to which ke baad repeat kar intense heat is generated, intense heat is generated intense heat is generated due to which सीधे भी कर सकते हैं लेकिन इतना हीट नहीं जनरेट करोगे ना जितना इससे जनरेट हो जाता है। पहली बात इस एरिए में कर रहा हूं जनरेट, इस एरिए में जहां पे सर्कल बना रहा हूं वैसे हीट जनरेट करेगा तो सारी जगह करेगा, ये आर्क के फॉर्म में उसी जगह कर रहा है और जल्दी होगा। हाँ, due to which suspended particles are suspended metal particles are vaporized vaporized and and due to ice and due to ice they are cooled and finally converted into finally converted into metal salt. Sir, can you repeat last sentence? And finally converted into metal salt. ठीक, एग्जाम्पल में लिख लो, प्लेटिनम एयू एजी कॉपर सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हाँ बोलो, मैंने बोला PTAUAG कॉपर सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक, काही प्रॉब्लम आहे का? नो सर। अगर यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज पेप्टाइजेशन। थोड़ा अजीब ढंग का वर्ड लग रहा है तुमको, बट दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जस्ट अपोजिट ऑफ, यस,
तो प्रेसिपिटेशन का जस्ट उल्टा है पेप्टाइजेशन। तो हो सकता है कभी कभी सब लोग लैब गए होंगे, लैब के दर्शन हुए क्या कभी लाइफ में? यस सर। लैब के दर्शन हुए क्या कभी लाइफ में? यस सर। ठीक है, तो पता नहीं एक्सपेरिमेंट किया होगा या नहीं किया होगा, कुछ तो सबको 11th 12th में तो रेडिकल टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस होता है, तो मैंने कुछ मिक्स किया और ये प्रेसिपिटेट हो गया। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? केमिकल सब्सटेंस आर नाउ एग्लोमरेटेड और कलेक्टेड। इसी को मैंने फिर से शेक कर दिया या वो अदर केमिकल सब्सटेंस मिक्स कर दिया और फिर से क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेशन का उल्टा है ना। का ही प्रॉब्लम आएगा? नो सर। नहीं है तो लिख सकते हैं, लिखो। लिखो when a precipitated when precipitated chemicals are converted into colloidal solution by shaking and using suitable reagent, by shaking and adding suitable reagent is called as peptidization. ठीक, इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। उसके बाद लिखो द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज नोन एज, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है ना सर, लास्ट स्टेटमेंट रिपीट करेंगे? हाँ, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट। ओके डन। उसके बाद लिख लो, दिस इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, दिस इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नहीं है तो हम लोग थर्ड वन इज केमिकल मेथड। यस, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइजिंग एजेंट के बाद। हाँ, उसके बाद मैंने बोला था कि पेप्टाइजेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक,
देखो when colloidal solutions are prepared, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो तुमने पेप्टाइजेशन के बोले हैं भाई. लैब में जो तू कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये ले लो. अभी जो पीछे मैंने पॉजिटिव कोलोइड का एग्जांपल दिया था वो यही है, ठीक है. AGI के ऊपर प्लस और ये इंटरफेस ऑफ दिस इज पॉजिटिव कोलोइड, ठीक है ना. और भी अगर तुमको चाहिए तो पॉजिटिव कोलोइड का और भी एग्जांपल हो सकता था, FeCl3. सो दिस इज FeOH का होल ट्राइस प्रेसिपिटेशन कैसे होता है वो बोल रहा है यहाँ पर, ऐसा है. एंड दिस इज नथिंग बट 3Cl- उसके साथ में ही है, ठीक. हमें दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन, सॉरी पेप्टाइजेशन. ये सब किसके एग्जांपल है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोलोइड? पॉजिटिव कोलोइड और नेगेटिव कोलोइड? पॉजिटिव. हाँ प्लीज रिमेम्बर इट. हाँ ये मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूँ. दोज हु आर गोइंग टू अपियर इन KVPY कभी भी मिल सकता है ऐसा प्रॉब्लम. चलो भाई केमिकल मेथड में आ जाओ, केमिकल मेथड में आ जाओ. लिखो सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय व्हेन सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय सूटेबल when salts are prepared by suitable chemical salts are prepared by when salts are prepared by reaction of suitable salts are prepared by reaction of suitable chemical substance reaction of suitable chemical substance in which they are converted into colloidal size particles converted into colloidal size particles. Which involves certain reaction. Then it is called as chemical method. बोलो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं? Colloidal size particles के बाद. Colloidal size particles के बाद. देखो भाई सब लोग बोलो क्या लिख लिया है? Which involves certain reactions. It's called as chemical method. It's called as chemical method of preparation. इसमें मेरे पास क्या क्या हो सकते थे? And they may be. They may be, लिख लो.
डबल डिकम्पोजिशन, या तो फिर क्या हो सकता था, रिडक्शन से हो सकता है। अरे भाई प्रोसेस ही तो है, नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा और क्या होगा, और क्या हुआ केमिस्ट्री में रिएक्शन, यही सब तो है और क्या है। ठीक, यहां तक का ही प्रॉब्लम आएगा, इतना पर्यंत काहे डाउट आहे का? नो सर, नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग